कुत्ता जैन तेन मैं दसन दिया साढ़े वक्त चंगे होने। हाय 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 क्या हुआ अब्बा जी? बस बेटा जब आप पैदा होने लगे थे मैंने सोचा था ये वाला प्लॉट ले लूंगा आपके लिए, तब 1 लाख का था और अब 1 करोड़ का है। 1 लाख रुपए का? तो अब्बू जी लिया क्यों नहीं? बेटा उस टाइम 1 लाख रुपया 10 लाख के बराबर था। तो तब भी आपके पास 1 लाख रुपया नहीं था? और नहीं नहीं बेटा तब मेरे पास 2 लाख रुपया था, पर तब तुम आने वाले थे ना, तो फिर यहाँ प्लॉट लेता यहाँ तुम्हें लेता। अब तुम आ गए थे तो मैंने कहा चलो मेरा बेटा आ गया तो फिर मैंने तुम्हें ले लिया। तो अब्बू आप ये कहना चाह रहे हैं सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? हाँ जी पुत्र, मेरा मतलब कि नहीं बेटा, औलाद से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। अब तुम बड़े हो गए तुम खुद खरीद लेना। हाँ अब्बू जी वक्त वक्त की बात है, वैसे हम ना इससे अच्छा प्लॉट लेंगे। आए अभी घर चलें, बहुत टाइम है। हाँ हाँ जानी जितने मर्जी पैसे ले लें यार, तेरे से अच्छे पैसे हैं, कितने चाहिए तो हुक्म कर। ओके जी सारे पैसे कितने? जानी रुक मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अबू जी क्या हुआ है? की मतलब की हो गया? किन्नू डॉलर लुटा रहे हैं सारी? कुछ नहीं अबू जी वो दोस्त के हालात खराब थे, उसको 25-30 हज़ार रुपया चाहिए था। ओ पुत्र आजकल हालात कितने ठीक ने, तू पैसे मंडने हैं। अबू मेरा दोस्त है वो बहुत पुराना, कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे भी पैसे दे देगा। ओ पुत्र जय हो जय दौर चलता पे ना, जिन्होंने पैसे दे दो दिल नहीं करता वापस दे नू, तुसी पोछ-पोछ के शर्मिंदा हो जाओगे, अगला शर्मिंदा नहीं हुंदा। अबू कल को मुझे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी उसी से मांगूंगा ना। ओ पुत्र तेनू लोड़ पेगी तो मेरे को मांग ली, मैं मर गया। तो अबू अभी भी तो आपसे लेके दोस्त को देने थे। वाह जी वाह अन्नी रहा, पहले प्यो को तो पूछ ला प्यो को है भी नहीं के नहीं, अगले नु वादे करने हैं। अब्बा जी आप खुद ही तो कहते हैं जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, इस टाइम पे वो जरूरतमंद है। ओ पुत्र ओ जरा तेनू मैं समझाना ना, ओ ऐ समझाना जदों इस काबिल होएगा फिर किसी दी हेल्प करनी है। मैं अपने महीने दे काट लेना, बड़े जरूरतमंद बैठे। अबू वो कह रहा है ना कुछ दिनों में दे देगा वापस कर देगा। पुत्र मरिया बंदा ते दिता उधार कदी वापस नहीं मांदा। जिदों तू पैदा होया सा ना तेरे चाचे ने मेरे को उधार लिया ही 1 लाख रुपया। 1 लाख? माशाल्लाह कितनी उम्र है तेरी? 25 साल दा हो गया, आज तक मेनू पैसे वापस नहीं लभे। कदी 5 कदी 10 कदी 5 कदी 2 कदी 3 इंज पैसे वापस लभदे नहीं। इंज पैसे ना मैं की करना? ते सब तो वड्डी गल अज दे लख ते उदों दे लख दा कितना फर्क सी। ते पुत्र सोच समझ के वड्डियां वड्डियां बड़का मारिया कर, ते पैसे दे मामले च किसे दी की नहीं करीदा। सक्का भरा मार देंदे ने अजकल। जा मां नू दे मां रोटी बनानी। ठीक है चल गया जी। जी सर इसको आ लेने दे, इसकी आज मैं लाते और बाहें दोनों बांध देता हूँ। श्याम पुत्र। जी अबू। oh, no. किधरों आए हैं? अबू कॉलेज से। इधर आ मेरा पुत्र। अच्छा इधर पे मेरा पुत्र। जी अबू केड़े कॉलेज गया से मेरा पुत्र? वो वही कॉलेज जहाँ एडमिशन करवाया है। अच्छा ते जरा प्रिंसिपल ये झूठ बोलता है। अबू क्या मतलब? बेटा जी तुहाडे प्रिंसिपल दी कॉल आई सी, कहंदा सी श्याम नू 1 महीना हो गया कॉलेज नहीं वड़िया। वो अबू जी वो ना दोस्त कॉलेज ऐसे घर में कौन सा पता लगना है पुत्र? 1-2 दिन की गल हुंदी ते मैं नजरअंदाज कर देंदा। पूरा महीना नहीं गया तू, नाले यारा ने उदो नहीं आना जो तेरे को नौकरी नहीं होनी। उदो तू आप ही कमाना है आप ही खाना है, उदो तू मेनू वक्त पाना है। उन्हां दे प्यो दी फैक्ट्रियां ने, तेरा प्यो मजदूर आदमी। अच्छा अबू जी आइंदा नहीं करूंगा। पुत्र जी खुशकिस्मत हो तुहाडे कोल इन्नी साशा ने, साडे वक्त च कुछ नहीं सी हुंदा, ना मोटरसाइकिल ना साइकिल ना कार ना ट्रेन ना बस ना जहाज, सानू पैदल जाना पैंदा सी। 500 किलोमीटर 3 पहाड़ियां क्रॉस करनियां पैंदियां, 4 नदियां लगदियां, तैर के जाना पैंदा ही, किताबां नूं जहाज फाड़ के रखना पैंदा ही। पुत्तर तुहाडे टाइम ते इन्नियां सैशां ने, बत्तियां लाइटां साडे टाइम च नहीं सी हुंदा। साडे टाइम ते मोमबत्ती ते दीवे बाल के पढ़ना पैंदा ही। इना कुछ सानू लब्भा हुंदा ना ते कित्थे ते कित्थे पहुंच जांदे। तुहानू सब कुछ लब्भा है फिर भी कुछ नहीं करदे, कॉलेज नहीं जांदे, शुक्र हो तुसी। ठीक है अबू जी अब आज के बाद नहीं होगा। पुत्र तेन आखिरी समझा रहा, आज तो बाद हरकत की पैंचर लाएगा बह के पैंचर की दुकान से। उठ के दवाई है तो ठीक है। वो अबू जी पिछले महीने की फीस में खा गया था वो भी दे दी। गंदी औलाद ना मजा ना सवाल। चल दवाई और तेरे स्कूल पहुंचा दूंगा मैं आज तो बाद, तेनू नहीं फीस देनी। चल जा दवाई नजर आई। अबू जी क्या हो गया आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? बस बेटा आपको तो पता है अगले हफ्ते की फ्लाइट है, बस उसी को लेकर परेशान हूँ। अबू आपकी सारी जिंदगी गुजर गई है बाहर, आपने क्या करना जाके? इधर ही रह जाए फैमिली के पास, बेगम के पास, बच्चों के पास। पुत्र ऐसे नहीं ना होता, अगर ऐसे होता तो मैं कब का वापस आ जाता। घर के खर्चे कौन चलाएगा मैं आ गया तो? अबू मैं किस लिए हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं आपको बिजनेस बना कर दूंगा आपके आने से पहले। बेटा कौन सा ऐसा बिजनेस है जिससे पूरे घर के खर्चे भी चल जाएंगे? अबू जी मैंने अभी मोबाइल का सेल परचेज का काम शुरू किया, 2 महीने में बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ गया मुझे। और पुत्र 2 महीने से नहीं पता लगता बिजनेस अच्छा जा रहा है कि नहीं। 6 महीने लगते हैं कम से कम। चले अबू जी, मेरा दूसरा काम भी है क्रिप्टो का, उसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, वो कर लेंगे। और पुत्र ये जो ऑनलाइन कमाइयाँ होती हैं ये हवाई कमाइयाँ होती हैं। मैंने भी अपने जमाने में ना बॉन्ड में और स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, 500 रुपए का नुकसान हुआ था। अबू सिर्फ 500 रुपए का? और पुत्र उस टाइम 500 रुपया बड़ा होता ही, तेरे वर्गे 4 आई है ना 500 रुपए। अबू जी गाड़ियों का सेल परचेज का भी बड़ा काम है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, मेरे बड़े अच्छे लिंक्स है, बड़ा फायदा हो जाएगा। पुत्र एडी वड्डी इन्वेस्टमेंट, गड्डियां का बिजनेस, एक गड्डी भी खराब निकल आई ना 2 नंबरी निकल आई ते सारा बिजनेस ठप, सारी जिंदगी अंजन करता रहेगा, पैसे कितने गए। अबू जी फिर खाने का काम कर ले, उसमें बड़ा प्रॉफिट है, 70% मार्जिन है उसका। और पुत्र जिन्नी महंगी आई है ना तू हर चीज की वैल्यू चेंज करता रहेगा, कभी 500 कभी 600 कभी 800 कभी 900, आवाम ने तंग आई है ना, नाले इन्ना तू रोला पाया, किन्ने को पैसे आ गए तेरे को, बिजनेस बिजनेस लग गया। अबू मैंने 15-20 लाख जमा किया हुआ है, वही मैं सोचता था आपको कहीं लगा दूं। और पुत्र बिजनेस तू रहन दे, तू पैसे दे मेनू, तेरे फुफा जी देने उन्होंने जरूरत है। अबू अभी आपने लास्ट टाइम तो बोला था किसी को उधार नहीं देना चाहिए। आहो पुत्र, पर कई रिश्ते ऐसे होंगे ने जिन्होंने ना नहीं कर सकते। लो जी ए पैसे नहीं वापस आने। One, two, three, go. चल वो ब्रेक मारेगा तो फेल है। 2 3 गो। ऑनियन तो भाई वाला भी यार बंद कर दो। 3 गो। हाँ हाँ जानी है ना, जानी ऊंची बात है। हाँ हाँ जानी, आज जितने मर्जी जानी। 3 गो। हाँ हाँ जानी, जो जितने मर्जी बस तू आ। 1 2 3 गो। हाँ हाँ जानी, जितने मर्जी पैसे ले लें यार तेरे यार आई। 3 गो। और पुत्र आजकल कितने हालात खराब नहीं है, तू मैनू ऐ दस इन्हें पैसे ओनू देने नहीं, अपने को देखो ₹1 नहीं मेरे को ही मंगने ना। 2 3 गो। अबू आप खुद ही तो कहते हैं जरूरतमंद। 1 2 3 गो। अबू आप खुद ही तो कहते हैं जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, तो मैंने कहा चलें जहाँ भी हमारा हाथ लग रहा है वो। 3 गो। पापा आप खुद ही तो कहते हैं जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। अबू अबू क्या आई ना पहले। 3 गो। अबू जी आप खुद ही तो कहते हैं जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, तो मैंने सोचा मेरा दोस्त जरूरतमंद है इसकी मदद करना। 1 2 3 गो। अबू जी आप खुद ही तो कहते हैं जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, इस टाइम पे वो जरूरतमंद है। 2 3 गो। पुत्र ऐवी वड्डी वड्डी छड़ी दी नहीं, बड़का सही है। 1 2 3 गो। ते ऐवी वड्डियां वड्डियां बड़का ना मारया कर, ते पैसे ना पैसे तमीज में इस्तेमाल। 2 3 गो। क्या पुत्र जी अबू किधर आए? कॉलेज से पापा। इधर आया ना पापा। नाले साढ़े टाइम ते बिजली बुजली बत्ती बुत्ती कुछ नहीं सी हुंदा, ओ मोमबत्तियां ते दीवे। 2 3 गो। पुत्र जी खुशकिस्मत हो तुहाडे कोल इन्नी साशा ने, साढ़े वक्त च कुछ नहीं सी हुंदा, ना मोटरसाइकिल ना साइकिल ना कार ना ट्रेन ना बस ना जहाज, सानू पैदल जाना पैंदा सी 500 किलोमीटर, 3 पहाड़ियां क्रॉस करनियां पैंदियां, 4 नदियां लगदियां, तैर के जाना पैंदा सी, किताबां नूं जहाज फाड़ के रखना पैंदा सी।